తుండ మహాకాయ సూర్య సమ ప్రభ నిర్భిగ కురు మే సర్వకాల్యేషు భదా శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకి దుర్గా సంవాచ దేవం భక్త సులభే సర్వయా విధాయని దాహి కార్యార్థం అంజోహియన్నల దేవ్యోహ శ్రీ దేవ పక్షామి కల్వేష సానం మాతమేవ స్నేహేన ప్రంబా స్తుతి ప్రకాయ ఓం అది దుర్గా సప్తశ్లోకి స్తోత్ర మంత్రస్య నారాయణ ఋషి అనష్టవచనః శ్రీమాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసత్యా దేవతా ఈ దుర్గాయర్థ సశ్లోకే దుర్గా వినియోగః జ్ఞానినాం చేతసి దేవీ భగవతీ బలాధా కృష్ణమో మహామాయా ప్రయశ్యతి దుర్గే స్మృత హర్షి భీమశేష జంతో స్వస్తి స్మృతా మతిమతిహ శుభం దదాసి దార దుఃఖ భయ హారిణి ఆత్మకన్యాపకార కరుణాయ సదా సర్వమంగళేషు వే సర్వార్థ సాధి శరణేత్ర భృగే నారాయణి నమస్తు శరణాగత ధీర పరిత్రాణ పరాయణ సర్వతి హరే దేవే నారాయణి నమస్తు స్వరూపే సర్వేశ సర్వశక్తి సహనోధి దుర్గే దేవాస్తు శేషిష్ట దృష్ట కామాన్ సకల మాశ్రితానాపన్నరాశ్రితాయ శ్రయతాయాంత్రి సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోకశ్రీలేశ్వరి ఏమేవ త్వయాచార్యమస్వల్వ్యారి వినాశన ఓం శ్రీ దుర్గాయ నమః శ్రీ దుర్గా స్తోత్ర శతనామ స్తోత్ర ఈశ్వర వాచ శతనామ ప్రవక్ష్యామి శ్రణశ్వ కమలానరే యస్య ప్రసాద మాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతి ఓం సతి సాధి భవ ప్రీతా భవని భవ మోచని ఆర్యా దుర్గా జయాచార్యా త్రినేత్ర శూలధారిణి పినాకధారిణి చిత్రా చండగండా మహాతమా మనోబుద్ధిరహంకారా చిత్రరూపా చితాచితిః సర్వమంత్రమయీ సత్తా సత్యానంద స్వరూపిణి అనంతా భావిణి భవ్యా 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 సదాగతిః శాంభవీ దేవ మాతా చింతా రత్న ప్రియా సదా సర్వవిద్యా దక్ష కన్యా దక్ష యజ్ఞ వినాశిని అపర్ణానేకవర్ణా చ పాటలా పాటలావతి పట్టాంబర పరిధాన కలమంజీర రంజని అమేయ విక్రమ క్రూరా సుందరి సురసుందరి వన దుర్గా చ మాతంజి మతంజ ముని పూజిత భ్రామీ మాహేశ్వరీ చంద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా చాముండా చేవారాహి లక్ష్మీ చ పురుషాకృతిః విమలోత్కర్షణి జ్ఞాన క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా బహుళా బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశుంభ శుంభహనని మహిషాసురమర్ధిని మధుకేతవహంత్రీ చ చండముండా వినాశిని సర్వాసుర్వినాశా చ సర్వదానవఘాతిని సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాస్త్రధారిణి తథా
अनेकशस्त्रहस्ताच अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशरी ज्योतिगतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रिस्तमश्विनी नारायणी भद्रकाले विश्वमाया जलोधरी शिवधूते कराले च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रमथे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्त लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परया भक्त्या पशे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासकाव्यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोलोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिखयन्त्रं विलिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमा वाचा निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य भाग के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षफल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजनन माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः घनष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोत्तमातराभीजम् दिलबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मायकण्ठे उवाच। ॐ जघ्वीरं परमं लोके सर्वरक्षाकरं विनाम् यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासुकवचं पुण्यं तश्चनुश्वामहामने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमादेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना धह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः। नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्करे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसेतान संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगदसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिशिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना रामी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगा समन्विताः। नानाभरणशोभाग्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमहरं च मुसलायुधं केवलं तोमरं चैव परशं भाषमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् धृत्राणां देहनाशाय भक्त्राणाम भयाय च धरेन्द्रायुधानीतं देवानामेताय वे नमस्त्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभरे महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मा देवि दुःश्रेक्षे शत्रुनाभयभद्रिणि प्राचां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीचां भारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिनि ओधीचां वातु कौमारी ईशान्याशूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्ता गैशरे तदा एवं दधतिशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चाग्रता पातो विजया पातो मृष्टतः अजिता वाम पाशेतो दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतने रक्षेतु मामूर्धनि व्यवस्थिता बालाधने ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमजन्ता च नासिके शङ्कने चक्षुयोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनि कपोलकालिका रक्षे कर्णमूले तुषान्तरि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृदुकला युर्वायां च सरस्वती
गंधा रक्षतु कौमारी कंठ देशेतु चंडिका घंटिकां चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुमकं रक्षे वाचा मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवं च धनोधरी नीलग्रीवा बही कंठे नलिका नलकूभरी सन्नयो खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डनी रक्ष नम्रिका चाङ्गुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरी सनो रक्ष महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो चुकामनी रक्ष गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुहे महिषवाहिनी रक्षां भगवती रक्ष जानुनी विन्ध्यवासिनी जन्मे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी गुल्मयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्ष पादाधस्तलवासिनी नखाद्रष्टा कराली च केशा च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरी तुजं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासानस्ति मे दासि पार्वती अत्रादी कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कार मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा ज्ञानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्त्वमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्रादि मे रक्ष पशु मे रक्ष चन्द्रिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभथा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीं विजया सर्वशासिता रक्षाहीनं दुर्यस्थानां भर्जितं कवचे न तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो जदेश शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकालिकः यं यं चिन्तय एकानं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले भुमान् निर्भयो जायते मद्यः सङ्ग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्यतमभेद्मूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ध्यापठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्यश्वपराजितः जीवेद्वर्षतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः दश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदि संसिते मानानदीर्भवेदाग्यस्ते च वृद्धिकरं वरं यशसा भजले सोऽपि कीर्तिमन्दितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठलि मेधिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रगीम्
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः हनुष्टुभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उभाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभाधाते स्वाहा सुधा नमोऽस्तुवे जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुवे मधुकेतव विद्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुशा देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुशा देहि रक्तबीजाभदे देवि चण्डमुण्डा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुशा देहि शुम्भस्य वनिशुम्भस्य धूम्राक्षस्य चवर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा देहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दृशनाशं विदेहि मलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्रनिदृष्टचण्ड्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदत्तदर्भग्नचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शस्यद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणि त्वत्सद्भाव पूजते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवि प्रचण्डधोदण्ड दत्तदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवि भक्तसनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी कारणं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नः
सतु सप्तशति संख्या वर्मापनोति संपदा। ओम अथ कीलक ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवा ऋषिः अनष्टवचन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाध्यधारिणे सर्वमेतद्विज्ञानीयान् मन्त्रानामविकीलकम् स्वाभिक्षेपम् वाप्नोति सततम् व्याप्य तत्फलः सिद्ध्यन्तु चाटनाधीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वभुचाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च युक्तम् चकारः समाप्तेन च पुण्यसायता विनियन्त्रणम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णाया मा चतुर्दशामष्टम् यावा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नागदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीलाम् विधायेन नित्यम् जगति संस्कृतम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य वयम् वापि अजायते नापवित्रवशम् याति नृत मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिलर्किञ्चिदृश्यते ललनाशने यत्सर्वम् तत्र साधेन तेन याप्यमिदम् शुभम् शरेस्तु जप्यमाने स्तोत्र सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्र साधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सा न किम् जने। श्रीमहिषासुरमर्दने सतरे आयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनादिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि मा सिन्धुविष्णुविलासनि जयसुनुते भगवति हे शि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकभरदिनि शैलसुते धुरभर वर्षिणि धुरधर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शङ्कर तोषिणि गिरिवेशमोषणि दोषरते धनुधनि रोषिणि नीति सुत रोषिणि दुर्मत शोषण सन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकभरदिनि शैलसुते हरि जगदम्बमदम्ब कदम्ब वनप्रियवासनि हासरते शिखरि शिरोमनि तुम्बहिमालय शृङ्गरि जालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकेटव गञ्जनि केटवबन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमलदिनि शैलसुते महिषतकण्डलि कन्यतरुण्डलि तुण्डितकुण्ड गजाधिपते नृपगज गण्डविधारण चण्डपराक्रम शण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनि बाधितकण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमलदिनि शैलसुते
विचार दुरी नमः शिव दूत पिता प्रमथाधिपते दुरी हदुराशय दुर्मति जान मधुत पिता तमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते शरणागत मेरि भदु वर वीर भरा भय दाहि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुवे दुमिता मर दुन्द विनाद महोम फरे चत तेज मकरे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते शिव शुभ शुम्भज शुम्भ महावतरपित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते धनुरनु चन्द्र लक्षण सञ्ज परिसुर दन्दन गद्गदके कनक शङ्ख शङ्ख निशङ्कर सर्वत शृङ्गः भटुके हित चतुरङ्ग लक्षतिरङ्ग गतरङ्गर तद्भटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते जय जय चक्र जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन सिंधे मजिन्द्र सनो मुर सिंह समोहित भूत पते भगवन का धन कीरत नायक नाचित नाच सुगा नरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते अय सुमनः 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 सुमनो हर कान्ति युते शित रजनि 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 कर भक्त विदे सुवनन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते दयित महाभवल्लभदल्ल कमल्लतरल्ल कमल्लरते विरचित वल्लक बल्ल कमल्लक विल्लक विल्लक वरगमिते कृतकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्ल जपल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते हरिहल गण्ड गलन्मद मे दुर्मत्तम कङ्गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलारि रूप पयान गिराज सुते हर्षद मे जन लाल समानस मोहन मन मथ राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते कमल दला बल कोमल कान्ति कल कल कामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम के चलन कल हंस कुले हरि कुल संतुल कुवलय मंडल मोन तिलक बतुलाल कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते कर मुरली रव बीजित पूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलत पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शयन कुञ्जगते निज गण भूत महाशमरि गण सद्गुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते कति तटपि सदुकूल विचित्र मनोकतरस्कृत चन्दरते सनत सुरासुर मोले मने सुर कण्डुल सन्नख चन्दरते जित कनकाचल मोले बदोद्यत निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शयन सुते विजित सहस्र करे कसहस्र
सुर तारक सुंदर तारक सुंदर तारक सोन सुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजा करते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुते पद कमलम करुणानिलये हरिवस्यति योगिनं सुशिवे हरे कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं दभवे तव पदमे अपरं पदमित्यनुशीलयत मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजले रनुसिन्धिनुते गुणरङ्गभुवम् ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾನಿ ಕರವಾನಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ ಮನ ವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂ ಮದನೇಂದು ಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ತೋರಯತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ ಹೈ ಮೈ ದೀನ ದಯಾಲು ದಯಾ ಕೃಪೇ ಸ್ವಯಾ ಭವಿಷ್ಯ ಮುನೆ ಹೈ ಜಗಜನನಿ ಕೃಪಯಾ ಯಥಾತಿ ತಾರಮಿತಾ ತಿರತೆ अब अंतिमकालीन लास्ट पेज महा से क्षमा प्रार्थना है क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशामयामिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि पन्थहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि सत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति तुष्करे यां गतिं समभाप्नोति तां ब्रह्मासुराः पापराधोऽस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाधिस्मृतैर्भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहानाचाभिमाभेद प्रसीद परमेश्वरि भूयाति भूयगोत्रेत्वं गृहानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्र सादा सुरेश्वरि सच्चियं ज्योतिर्मलि माता तेरि सदा हि जय
शब्द मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबारी की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय सेवा निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके निज रूप से माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरणों झुकाते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणद भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह साधक जन वह भक्त जन जो है सब ओर से कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। मेधा से वे देवी वेता कृष्ण शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्गा भव सागर नौर संगा श्री केट भारी हृदय कृदाति भाषा गोरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। मेधा से देवी वेता कृष्ण शास्त्र सारा कि देवी आप जो है जगत माता जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वह मेधा शक्ति जो है आप ही। यही मनुष्य के हृदय में परम कल्याणमय बुद्धि के विराजमान होकर के ये भक्त का मार्गदर्शन करती है और ज्ञान की अधिष्ठाते देवी भी जय भगवती हैं तो समूह संपूर्ण जो है समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान जिससे प्राप्त होते हैं वह मेधा शक्ति जो है आप ही। दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाले नौका रूप दुर्गा देवी आप ही। जय भगवती दुर्गा जो है दुर्गा दुर्गति नाशनी जो दुखों का नाश करने वाली है सुखों को देने वाली है और इस भव सागर से पार उतारने वाली है जो नौका रूप जी यही भगवती की जो शरणागत होकर के माँ की आराधना अर्चना करते हैं जो भगवती इस भव सागर से पार उतार देती है। श्री केतवारे हृदय कृतादिवासा गौरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है कि माँ केतव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली श्री लक्ष्मी देवी भी आप ही। जय भगवती भगवान विष्णु के ही हृदय में निवास करती है कौन माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है तो केतु के शत्रु जो है कौन है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हमेशा जो है इस प्रकार से केतु मधु केतु आदि जो देतु का जो है ये वध करते हैं तो इनके जो शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाले श्री लक्ष्मी देवी आप ही। गौरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा भगवान चंद्रशेखर द्वारा पूजित भगवान शिव द्वारा आराधित जो है माँ गौरी भी आप ही। तो यही भगवती जो है गौरी ही और जे देवताओं द्वारा पूजित ही भगवान शिव भी इनकी आराधना करते हैं इस शक्ति की उपासना करते हैं
कहते भगवान शिव ने इस शक्ति की उपासना कर करके समस्त शक्ति को प्राप्त किया, क्योंकि समस्त शक्ति को देने वाली जीव भगवती है। और जब जो है उनकी साधना संपूर्ण हुई, तब जब संपूर्ण हुआ तब भगवती ने प्रसन्न होकर के उन्हें शक्ति का वरदान दिया, जिससे भगवान शिव जो थे अर्ध नारीश्वर हो गए, उनका आदर्श वाम भाग जो था वह शक्ति का हो गया, और भगवान शिव जो थे अर्ध नारीश्वर कहलाए। तो इस प्रकार से इसमें शक्ति को देने वाली जय भगवती है, और इस देवी की जिन पर कृपा हो जाती है वह भक्त जन जो है सर्वत्र जो है उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें विजय प्राप्त होती है, उनके कहीं पराजय नहीं होती, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चे द्रवारी। तो मैं आपको बतला रहा था कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती है। एक बार जो है समस्त ऋषि मुनि जो ऋषि समाज जो था, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वे एकत्रित हुए नैमि शरण में। नैमि शरण में सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए, उनकी एक सभा लगी, और सभा में जो है ये प्रश्न उठा कि सबसे बड़े देवता कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए। तो सभी जो है अपना अपना मत जो है सबने अपना जो सामने रखा है, और जो है कोई निर्णय हुआ नहीं। तब कहते कि उस समय समस्त ऋषियों ने जो है भृगु ऋषि को जो कार्य दिया कि इसका निर्णय आप करेंगे, आप जो निर्णय करेंगे तो वही सर्वमान्य होगा। अब जब भृगु ऋषि जो है जब उनको जो कहा गया कि आप निर्णय कीजिए कि सबसे बड़ा देव कौन है, तो भृगु ऋषि जो है आप देवता की परीक्षा लेने के लिए निकले वहां से। तो कहते हैं कि सबसे पहले भृगु ऋषि जो है ये ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास गए, वहां ब्रह्मा की सभा लगी थी। ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान थे, और सभी देवगण जो है अब वहां बैठे हुए थे उस सभा में, और भृगु ऋषि जो है सीधे ही जो है चले गए और जाकर के ब्रह्मा के पास खड़े हुए। कोई प्रणाम नहीं किया, कोई शिष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, सीधे जाकर खड़े हो गए, सब देखने लगे। और ब्रह्मा जो थे उन्होंने देखा कि ये मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, और इस प्रकार से मेरा सम्मान नहीं किया, परंतु फिर भी पिता थे। तो पिता ने जो है बहस सहन करते हुए कुछ कहा नहीं, कुछ बोले नहीं, बोले सच्चे द्रवारी की जय। परंतु अंदर ही अंदर जो था बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोध हुआ। तब जो है वहां से मुख मोड़ करके भृगु ऋषि वहां से तुरंत ही चल पड़े, और चल करके सीधे कैलाश पर जा पहुंचे भगवान शिव के पास जो है। और भगवान शिव के पास जाकर के जब वहां पहुंचे तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा भाई आया है, और आगे चल करके उनके गले लगने लगे। तो भृगु ने कहा मैं तेरे गले नहीं लगता, तो पीछे हट जा। इतने कहा तो भगवान शिव को क्रोध हुआ, त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े, और बीच में पार्वती आई तो नहीं बचाया। बोलो सच्चे द्रवारी की जय। वहां से चले और वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। द्वार पर बिना किसी से पूछे हुए, बिना प्रतीक्षा किए जो है सीधे जो है द्वार के अंदर चले गए, और जाकर के देखा भगवान विष्णु अध लेटे हुए हैं। आप देखते कैसे भगवान विष्णु का जो है दाया हाथ जो है सिर के नीचे होता है, अध लेटे हुए होते हैं, और लक्ष्मी उनके चंद वारी होती है। तो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जो है लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी माँ जो है उनके चंद वारे हैं, और सीधे जब अंदर जाते ही भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में जो है लात मार दी, पैर का प्रहार किया। तब जो है भगवान विष्णु झट से उठ करके भृगु ऋषि के दोनों चरण पकड़ लिए, दोनों चरण पकड़कर उनको दबाने लगे, चंद पकड़कर दबाने लगे, से हलाने लगे। महाराज मुझे पता नहीं चला आपके आगमन का कि आप आ रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं बाहर आ जाता आपके स्वागत के लिए, आपने मेरे वक्षस्थल पर लात मारी, मेरा वक्षस्थल जो है बड़ा कठोर है, आपके पांव में चोट लगी होगी, तो इस प्रकार से उनके पांव को दबाते। बोले सच्चे द्रवारी। अब जो है इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है भृगु का इतना सम्मान किया। तब जब भृगु ऋषि कहने लगे अब मेरे प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया,
देवों में देव यदि बड़े हैं तो वह आप हैं। तो कहते हैं किस प्रकार से क्षमा भरण को चाहिए, शोटन को उत्पाद का घट गयो, विष्णु का भृगुने मारी लात। तो भगवान विष्णु जो है इस प्रकार से इतने शील स्वभाव है, शांत स्वभाव है, शांता कारण भुजक शयनम पदम नाम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कलनयनम योगी हृदयन गम्यम वंदे विष्णु भगवरम सर्वलोकेक नाथ। तो इस प्रकार से अब जो है सब में आकर के भृगु ऋषि ने जो है कहा कि सबसे बड़े देव जो है भगवान विष्णु है, क्योंकि इस प्रकार से समय लक्ष्मी जब विराजमान थे भगवान विष्णु तो क्रोध किया नहीं, परंतु मां लक्ष्मी ने क्रोध किया। मां ने क्रोध किया क्योंकि भगवान विष्णु के वक्षस्थल में मां लक्ष्मी निवास करती है, उन्हें बुरा लगा क्योंकि वहां मां लक्ष्मी निवास करती वहां पैर मारा है, तो उसने लक्ष्मी ने क्रोध कर करके भृगु को शाप भी दिया था। तो भृगु कुल के जो ब्राह्मण जो हैं, तो इस प्रकार कहते हैं कि ऐसा उस समय शाप दिया था कि लक्ष्मी की ऐसी कृपा तो रहती है, परंतु आप देखना ऐसे जो ब्राह्मण जो हैं चाहे कितने धन एकत्रित करेंगे उनके धन जो है टिकता नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो लक्ष्मी जो है जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती है, और इसकी पूजा जो तरीका है लक्ष्मी का आवाहन जब घर में पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की हम कृपा को, क्योंकि जिस घर में जिस गृहस्थ में लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है, विशेष जो है उस घर में परिवार में कोई क्लेश कोई कला नहीं होती, और लक्ष्मी का उस धन का जो है सब योग होते हैं, परिवार में मैत्री भाव बना रहते हैं और सभी जो एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, उस घर में जो है भगवान की आराधना अर्चना पूजा होती है, अतिथि सत्कार होता है, बड़ों का सम्मान होता है, उस घर में रिद्धि सिद्धि रहती है जहां पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती है। तो जब भी लक्ष्मी का आवाहन करना हो, लक्ष्मी माँ को बनाना हो, तो भगवान विष्णु के साथ कि आप अपने पति देव के साथ जो हमारे घर में विराजमान हुई, और इस प्रकार से माँ की जब घर में पूजा करते हैं तो उस समय माँ का आवाहन करें, माँ को बुलाएं, बड़े प्यार से जो है बुलाएं, माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें और प्रार्थना करें कि माँ आप हमारे घर में विराजी भगवान विष्णु के साथ जो विराजमान होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, क्योंकि देवी की जब कृपा होती है, देवी जब प्रसन्न होती है उस घर में रिद्धि सिद्धि रहती है, और जब जब भगवती कुपित हो जाती है तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। देवी प्रसिद्ध परमा भवती उभाय सद्य विनाशी से को वधि कुलाने दिज्ञात में धुनि जस्तमे तन नेतम बलम सुपुलम महिषा सुरस्य। कि देवी आप प्रसन्न हो, हे परमात्मा रूपा आप जो है प्रसन्न होने पर, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अवध होता है, जगत का कल्याण होता है, जगत में सुख शांति होती है, और आपके कवित होने पर जो है क्रोध भर जाने पर तत्काल ही अब न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। जे देवता माँ की स्तुति करते माँ से कह रहे हैं कि ये बात अभी हमारी समझ में आई है कि ये जो महिषासुर है, जे महिषासुर जो है जिसने त्रिलोकी में त्राही त्राही मचा दी थी, सभी जिससे दुखी थे, और इस प्रकार से हम सभी देवगण जो थे सब उसके अत्याचार से दुखी थे, संकट में थे, और ऐसे संकट काल में हमने आपका स्मरण किया, आप हम पर प्रसन्न हुई और आपने तत्काल ही देखते देखते जो है महिषासुर सहित सारी सेना का देते सेना का आपने विनाश कर दिया। ये बात अभी हमारे अनुभव में आई है कि आप जब प्रसन्न होती हैं सब ओर से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, और जब कुपित होती हैं तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए भक्तजन जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए जग जननी जगत माता के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवती माँ आप प्रसन्न हो, हे परमात्मा स्वरूपा हम पर प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भक्त का कल्याण कीजिए, और हमारे घरों में विराजमान होकर के उसे बुलाएं, प्यार से बुलाएं कि हमारे घरों में आकर के जो है आप विराजमान होकर के हम भक्तों का पर कृपा करें, हम भक्त का मार्गदर्शन करें, और इस प्रकार से देवी
हे जगजननी जगत माता, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। हे भगवती, हे जगजननी, सदा सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जो भक्तजन जगजननी जगत माता की साधना करते हैं, उन पर इन तीनों देवियों की विशेष कृपा बनी रहती है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीनों देवियों जो हैं इस गुहा के अंदर पिंडी गुरु विराजमान है। तो भगवती के इस मूल मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं, उन भक्तों पर इन तीनों देवियों की विशेष कृपा जो है वह बनी रहती है। और फिर इस मंत्र के द्वारा जो साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इस जगजन के दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है और उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र द्वारा माँ का इस मंत्र जो है, इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान करेंगी। इस मंत्र का अपने जीवन में ऐसा निज बना लीजिए, अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रातः काल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जब अवश्य करें। और जो तो शास्त्र में कहा है कि 16 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। और इस प्रकार से मां से प्रार्थना भी करें कि हमारे अंदर जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिस शत्रु हैं, इन शत्रु का नाश करो, क्योंकि इन शत्रुओं को नाश करने वाली जो भगवती है, तो जैसे जैसे मंत्र जब होते हैं वैसे वैसे जो है इन शत्रुओं पर जो मनुष्य जो जीव जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोधा लोभच देह तृष्णन्ति तस्कर, ये ऐसे तस्कर ऐसे चोर हैं जो इस देह रूपी घर के अंदर जो घुसते हैं और इस घर के अंदर विराजमान है परंतु दिखाई देते नहीं है। मनुष्य बिल्कुल शांत दिखाई देगा परंतु शत्रु को जब मौका मिलता है जे एकदम जो प्रहार करते हैं, पता नहीं चलता है, फिर व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्रोध क्यों कर लिया। एक क्षण का काम होता है और एक प्रकार से ऐसी बुद्धि मलिन हो जाती है कि मनुष्य क्या से क्या अनर्थ कर डालता है और बाद में केवल मात्र पश्चाताप ही करता है, अब हाथ में कुछ रहता नहीं। काम क्रोध लोभ जो है, एक क्षण का लोभ जो है, तो थोड़ा सा लोभ हो गया वह व्यक्ति उसमें फंस जाता है और जिस कारण से जीवन भर जो है वह सिर पीटता रहता है और सोचता रहता है कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि बुद्धि को देने वाले यही भगवती ही, हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो सब कार्य हमारे ठीक होंगे, क्योंकि जब बुद्धि ठीक निर्णय करती है तो सर्वत्र व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है, तो जश उसका मान उसकी कीर्ति बढ़ती है। और जब जब जिसकी बुद्धि विकृति विकार आते हैं तब तब ही वह व्यक्ति जो अधोगति को प्राप्त होता है, धूल में मिटता है। इसलिए ज्ञान को देने वाली जय भगवती है, समस्त विकारों को दूर करने वाली, वासनों को दूर करने वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर जो है इन शत्रु का नाश करने वाली जय भगवती है। तो इसलिए माँ से प्रार्थना करें, नाम जप करें, मंत्र जप करें और माँ से प्रार्थना करें हम पर कृपा करें, फिर देखिए कैसे आपके अंदर जो है सात्विक बुद्धि जो है वे उत्पन्न होगी और जितनी जो वासना है ये सब दूर होगी, आपका जीवन जो है मंगलमय होगा। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबारी की जय। सभी भजन के वेले निवेदन कर रहा हूँ, श्री श्री माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए, क्योंकि भक्त जब भजनों के द्वारा अपने भाव माँ के चरणों में प्रकट करता है कि भगवती से प्रार्थना करता है कि आप हम पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें, हम कल्याण को प्राप्त हों, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। तो सभी जो है संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए, श्री सुरेश जी।
जयकार शेरावली मैया जी का भोले सच्चे दरबार की जय। तू आ जा बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दी। तू आ जा बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दी। तू आ जा बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दी। तू आ जा लगी है आज दर्शन। अखियां नू बिहर बेले लगी है आज दर्शन दी। है अखियां नू बिहर बेले लगी है आज दर्शन दी। सभी हाथ खोल कर गले ताले नहीं, ताले की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मां भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें। आपके झोलिया भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताले से बदल जाए मिले जे तूड़ चरणन मेरी किस्मत बदल जाए मिले जे तूड़ चरणन। तू आ जा बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन। तू आ जा कई जन्मों तो प्यार
काम कर दे जे मेरे ते ता मिट जाए प्यास मेरे मन करम कर दे दरबार की जय जयकारा शेरावाली दरबार की जय मायू चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे मंदरा वाले करने दर्शन चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे मंदरा वालिए करने पवन सजाया संगता ने
पवन सजाया ओ प्यारी प्यारी संगता ने पवन सजाया पवन सजाया ओ पवन सजाया तेरा पवन सजाया पवन सजाया पवन सजाया ओ कईया ने आके मैया छतर चढ़ाया मैया छतर चढ़ाया वो छतर चढ़ाया तेरे छतर चढ़ाया चढ़ाया तेरे छतर चढ़ाया ओ लगे मेले तेरे हाँ लगे मेले तेरे ओ करने दर्शन तेरे तेरे दर्शन तेरे को लाई कानू तेरे माँ करने दर्शन तेरे लाई कानू तेरे ओ जपारा वाले करने दर्शन तेरे जाओ केसर मरुए दा मत तिलक लगाइए केसर मरुए दा मत तिलक लगाइए ओ तिलक लगाइए मैया तिलक लगाइए लगाइए मैया तिलक लगाइए बुलाल तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए लाल तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए लाल तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए लाल तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए गोटा लगाइए दाती गोटा लगाइए लगाइए दाती गोटा लगाइए थोड़ी कदू मेरे करने दर्शन तेरे हाँ करने दर्शन तेरे पवना वालिए करने दर्शन तेरे पवना वालिए करने दर्शन तेरे आजा जोता वालिए करने दर्शन तेरे आजा जोता वालिए करने दर्शन तेरे बच्चे पवना वालिए माँ करने दर्शन तेरे पवना वालिए करने दर्शन तेरे सारी सारी रात मैं ता जोता जगावा सारी रात मैं ता जोता जगावा माँ सारी सारी रात तेरिया जोता जगावा सारी सारी रात तेरिया जोता जगावा वो जोता जगावा दाती जोता जगावा जोता जगावा दाती जोता जगावा थक गईयां अखियां मां थक गईयां अखियां मां तक तक के रावा थक गईयां अखियां मां तक तक के रावा थक गईयां अखियां मां तक तक के रावा थक गईयां अखियां तक तक के रावा तक तक के रावा तक तक के रावा तक तक के ओ कैसा मेरे दर्शन तेरे ओ करने दर्शन तेरे ओ कैसा मेरे दर्शन तेरे जगदिया जोता वालिए करने दर्शन तेरे ओ करने दर्शन तेरे जगदिया जोता वालिए करने दर्शन तेरे उच्चे पवना वालिए करने दर्शन तेरे पवना वालिए करने दर्शन तेरे माया जा शेरा वालिए करने दर्शन तेरे माया शेरा वालिए करने दर्शन तेरे हुआ जा जोता वालिए करने दर्शन तेरे जोता वालिए
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। है मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे। है मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे। मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। है मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे। है मां करूं विनती तुझसे घर घर को मेरे सुख से भर दे। आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। अम्बे जगदन देवा तू जग पालन हारी है। तू अम्बे जगदम्बे माँ तू जग पालन हारी है। क्या बोलूं इंसानों पर कितनी जिम्मेदारी है। ओ क्या बोलूं इंसानों पर कितनी जिम्मेदारी है। तू अम्बे जगदम्बे माँ तू जग पालन हारी है। तू अम्बे जगदम्बे माँ तू जग पालन हारी है। क्या बोलो इंसानों पर कितनी जिम्मेदारी है। और क्या बोलो इंसानों पर कितनी जिम्मेदारी है। मांगता हूँ माँ तुझसे आसान मेरा मत कर दे। मैं क्या करूँ विनती तुझसे घर को मेरे दुख से भर दे। तुझसे घर घर को मेरे सुख से भर दे। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। सुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे। मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी ज्योत जला दे माँ। ओ मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी ज्योत जला दे माँ। दास करे अरदास यही बिगड़े काज बना दे माँ। ओ दास करे अरदास यही बिगड़े काज बना दे माँ। मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी ज्योत जला दे माँ। मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी ज्योत जला दे माँ। दास करे अरदास यही बिगड़े काज बना दे माँ। दास करे अरदास यही
पिंगड़े का बना दे तेरी कृपा में हट जाए अज्ञान के नारे बढ़ने है माँ करूँ विनती तुझे हर को मेरे दुख से भर दे है माँ करूँ विनती को तुझसे हर को मेरे दुख से भर दे आए नाम में नारायणी ऐसा भर दे दुख आए नाम में नारायणी ऐसा भर दे आए नाम में नारायणी ऐसा भर दे दुख आए नाम सावर दे दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है फिर बोले ही माँ मेरी हर चिंता कर लेती है और बिन बोले ही माँ मेरी हर चिंता कर लेती है दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है ओ दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है बिन बोले ही माँ मेरी हर चिंता कर लेती है ओ बिन बोले माँ मेरी हर चिंता हर लेती है मैं भी तेरे दर पर आया ऐसी कृपा मुझ पर कर दे हर को मेरे दुख से भर दे मां करूं विनती तुझसे हर को मेरे दुख से भर दे दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा भर दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा भर दे मां करूं विनती तुझसे हर को मेरे दुख से भर है माँ करूँ विनती तुझसे हर को मेरे सुख से भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दुख आए ना मन में नारायणी ऐसा वर दे 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 और सच्चे दरबार की जय अरुण भ्रंत जगने दक्षिण चाक सोत्र वामे हस्त दिभ्यांभ्र कणकमय पुस्तक जन गम्य सभीनाभ्यंत स्वकृतजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडंत दिव्य रूपा कर कमलधरा भारती सुप्रसन्ना सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवाद 2075 उत्तरांतर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 24 प्रविष्ट है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि ही सोमवार तदनुसार 7 मई सन 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस देवी का धन्यवाद करते हुए
माँ से यही प्रार्थना करना कि देवी हे माँ वैष्णवी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने की हमें प्राप्त हुई है। हे माँ, इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें अपने दरबार में अपने चरणों में बुलाते रहना, क्योंकि आपके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, आपकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। ये भगवती हमें अपने दरबार में बुलाती रहना, अपना आशीर्वाद हमें देती रहना, आपका आशीर्वाद से हमारा जीवन जो है कल्याणमय हो। तो सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी इस परम पवित्र वेला में माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संतते भान भव, श्रीमान सस्वे भव, प्रज्ञा भान भव, भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, भैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंभर पाद पद्मजतः सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश, शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। कभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी, तुम को निषद न ध्यावत मैया जी को निषद न ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी जल से धाना, जल से दौना चंद्र बदन तो गौरी चंद मंद संहार
के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे द्रवा की जय।
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਲ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ 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 ਸ੍ਰੀ ਭਕਤ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮੰ ਸੁਖੰ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮੰ ਸੁਖੰ ਰੂਪੰ ਦੇਹੀ ਜਯੰ ਦੇਹੀ ਰੂਪੰ ਦੇਹੀ ਜਯੰ ਦੇਹੀ ਜਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਜਸ਼ੋ ਜਹੀ ਜਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਜਸ਼ੋ ਜਹੀ ਓਮ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕਲੀਂ ਚਾਮੁੰਡਾਯੈ ਵਿੱਚੇ ਓਮ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕਲੀਂ ਚਾਮੁੰਡਾਯੈ ਵਿੱਚੇ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਦੁਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਸੰਗਸ਼ਧਮ ਸੰਗਸ਼ਧਮ ਸੰਭਦਧਮ ਸੰਭਦਧਮ ਸੰਭਵ ਮਨਸਿ ਸੰਭਵ ਮਨਸਿ ਜਾਨਤਾ ਜਾਨਤਾ ਦੇਵਾ ਭਾਗਮ ਦੇਵਾ ਭਾਗਮ ਯਥਾ ਪੂਰਵੇ ਯਥਾ ਪੂਰਵੇ ਸੰਜਾਨਨ ਸੰਜਾਨਨ ਉਪਾਸਤੇ ਉਪਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ 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 ਬੈਠੇ ਆਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਂ ਭਗਵਤ ਕਾ ਨਾਮ ਸਮਨ ਕਰੇ ਆਪ ਪਰਮ ਪੂਜ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਆਰਤੀ ਆਨੰਦ ਲੀਜੀ ਔਰ ਮਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਜੀਏ ਮਾਂ ਭਗਵਤ ਆਪ ਸਭ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਂ
Ya bak. Abi. Güzel. Ya bak. Şu dedi ya bir de öyle şey kaldı. Ha, hareket hareket. Ya bak. Güzel bak. İyi ya. 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 İyi ya.